एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत, उसका आज हम पहला पार्ट करेंगे। बहुत सारे पार्ट्स हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक की बात करते हो तो वो आपको फ्री में भी जो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं वहां पर भी अवेलेबल है पूरे बेसिक्स, लेकिन उससे हटके कुछ एडवांस यहाँ पर इस कोर्स में अवेलेबल है। तो आज हम मैथ्स का एवरेज पढ़ेंगे पार्ट वन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, औसत। तो मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं जो इंग्लिश में है, लेकिन उनको मैं हिंदी में भी आपको बताती रहूंगी। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। यहाँ पर हमें औसत निकालनी है पहले 15 जो सम संख्या होती है, जो इवन नंबर्स होते हैं उनका हमें यहाँ पर औसत निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये देखिए, जब हम इन नंबर्स को डबल ही तो कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि मुझे पहले 5 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना, तो पहले 5 नंबर कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 नंबर, 5 का डबल कितना हो गया 10। तो उसी तरीके से अगर हम इसको आगे लेकर गए तो 15 का डबल कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 तक हमें नंबर्स लिखने होंगे। उसके बाद एवरेज का रूल क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज होता है सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। जब भी एवरेज निकालनी हो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सारे सॉल्व हो जाएंगे जितने भी एवरेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्टीज होंगी। अब इन सभी नंबर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अब हमें ये तो पता चल गया पहले जो 15 इवन नंबर्स हैं वो कौन से हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और अप टू ये कहां तक जाएंगे, प्लस 30 तक। अब ये देखिए यहां पर गैप सेम है, हर नंबर के बीच में दो दो का गैप है, और जब भी गैप सेम होगा एवरेज में तो हमने ये पहला नंबर उठाना है और आखिरी नंबर उठाना है, इन दोनों को हमने प्लस करना है 2 प्लस 30, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से, ये कितना हो जाएगा 32, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। हमारी एवरेज क्या आ जाएगी फर्स्ट 15 इवन नंबर्स की, 16। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16। पहले और आखिरी नंबर को ऐड करना है, जब भी गैप सेम होगा पहला नंबर और आखिरी नंबर को ऐड किया कितना आया 32, 32। अब उसको हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितने नंबर है 1 और 2, दो नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया 16। बस यही हमारा आंसर था। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करने। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 53 इवन नंबर्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिजिट का फर्क है, अब फिर से इवन नंबर की यानी कि सम संख्या की ही बात कर रहा है, 2, 4, 6, और ये अब कहां तक बोल रहा है 53 तक, और 53 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 106। 53 का डबल कितना हो जाएगा 106। फिर हम वही करेंगे, पहला नंबर 2 है, दूसरा कितना है 106, 2 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 108। इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54। हमारी जो एवरेज है, जो औसत है, पहले 53 सम संख्या की जो औसत है वो कितनी हो जाएगी 54। थर्ड है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 23 ऑड नेचुरल नंबर्स। पहले बात हो रही थी सम संख्या की, अब बात हो रही है विषम संख्या की, पहले 23। अब देखिए इवन नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, जो 2, 4, 6, 8, 10, ये होते हैं हमारे इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, जो हमारे विषम संख्या होती है वो क्या होती है, 1 प्लस 3, 5, 7, 9, और उसी तरीके से 23 तक। अब देखिए अगर मैं बोलूं पहले, अब क्या है 23 का भी हम डबल कर देंगे, 23 का डबल कितना हो जाएगा हमारा 46, लेकिन हम ऑड नंबर में उस 46 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ माइनस 1 में चल रहा है, वहां 2, 4, 6 होते थे, यहाँ माइनस 1 में हो रहा है, ये 1 है, ये इसका 3 है, ये 5 है, तो 23 का डबल कितना होता है 46, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एक कम होगा, कितना आएगा 45। फिर से गैप सेम है तो रूल वही अप्लाई होगा, पहली डिजिट और आखिरी जो डिजिट है उसको हम ऐड कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे,
ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23, हमारी एवरेज क्या आ जाएगी 23. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के पहले 5 मल्टीपल्स का हमें औसत निकालना है. 3 के पहले 5 मल्टीपल कौन सी है? पहला तो 3 है, फिर हो जाएगा 6, 9, 12 और 15. 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. अब गैप फिर से सेम हो गया, तो क्या करेंगे, पहला लेंगे और आखिरी नंबर लेंगे. पहला क्या है 3, आखिरी क्या है 15, और इनको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे. We will add the first and the last number and we will divide the number by 2. This will be 18 by 2 is equal to 9. 9 is the answer. 9 is the average of first 5 multiples of 3. Same question number 5, find the average of first 15 multiples of 7. This question is as same as question number 4. We have to get the average of first 15 multiples of 7. 7 के जो पहले 15 multiples हैं, उनका हमें औसत निकालना है. क्या होगा? 7, 14, 21, 28 और इसी तरीके से जाते जाते कहाँ चले जाएंगे? सीधा 15 into 7 कर देंगे हम. 15 into 7 हमारा कितना हो जाएगा? 105. Again gap is same, gap फिर भी same है. तो पहली संख्या ली, पहला नंबर लिया और आखिरी नंबर लिया, कितना हो गया 7 plus 105 divided by 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112 divided by 2, ये कितना हो जाएगा 56. हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 56 is the average of first 15 multiples of 7. तो ये था फ्रेंड्स हमारा एवरेज का फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.